हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। आज इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले मैंने कोशिका से संबंधित लेक्चर भी डाला है, यदि आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, और उसे देखने के बाद इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए। इन प्रश्नों में मैंने पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को भी शामिल किया है, तो आने वाले एग्जाम में आपका कोशिका से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एक भी इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यह वीडियो रीट, नीट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन फर्स्ट है स्लीडन एंड स्वान ने, सेकेंड है वाटसन एंड क्रिक ने, थर्ड है मेंडल तथा मॉर्गन ने, और फोर्थ है रॉबर्ट हुक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि स्लीडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, यानी कि इनमें से कौन सा जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु, सेकेंड है कवक, थर्ड है लाइकेन, फोर्थ है वायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि वायरस हैं जो कोशिका सिद्धांत के अपवाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति यूकेरियोटिक कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है, यानी कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं किस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से डिफरेंट होती है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका भित्ति, सेकेंड है केंद्रक झिल्ली, थर्ड है राइबोसोम और फोर्थ है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, यानी केंद्रक झिल्ली होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। इसी कारण से यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि पूर्ववर्ती कोशिका से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि पहले की कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकेंड मैथियास स्लीडन, फोर्थ है थर्ड है रुडोल्फ विर्चो और फोर्थ है रॉबर्ट ब्राउन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो पूर्ववर्ती कोशिका है उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी पादप कोशिका किस में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है विक्टोरिया एमाजोनिका, सेकंड है वोहमेरिया निविया, थर्ड है यूकेलिप्टस और फोर्थ है सिकोवा। सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, यानी कि वोहमेरिया निविया, जिसकी सबसे लंबी पादप कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोस्कोरिया में उपस्थित स्टार के समान क्रिस्टल कहलाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है डूसेस, सेकंड है सिस्टोलिथ, थर्ड है रिफाइड्स और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डूसेस, जिसमें स्टार के समान क्रिस्टल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफाइड सुई के समान कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल हैं जो पाए जाते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि रेफाइड्स हैं वो किसके बने हुए क्रिस्टल होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है एस्पेगेरस, सेकंड है डहेलिया, थर्ड है बालसम, फोर्थ है गुलाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि बालसम में पाए जाते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति सहित सबसे छोटी जीवित कोशिका है, यानी कि इनमें से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है वायरस की, सेकंड है शैवालों की, थर्ड है जीवाणु की, फोर्थ है माइकोप्लाज्मा की। तो इनमें से माइकोप्लाज्मा तो ऐसा होता है जिसमें कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि जीवाणु की, जीवाणु है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है लुवेन हॉक, थर्ड है रुडोल्फ विर्चो और फोर्थ है श्वान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रॉबर्ट हुक, जिन्होंने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी थी और इन्होंने ही इसी पुस्तक के अंदर कोशिका की खोज के बारे में बताया था। कोशिका की खोज इन्होंने की थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है इकोलॉजी, सेकेंड है मॉर्फोलॉजी, थर्ड है साइटोलॉजी और फोर्थ है एम्ब्रियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि साइटोलॉजी में कोशिका की संरचना का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी कोशिका की खोज। तो ऑप्शन फर्स्ट है
लुवेन हॉक, सेकंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है इवोनोवस्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में की थी, और इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज है वो एंटोनी वॉन लुवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटिसी फेरस कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, यानी कि जो लेटेक्स प्राप्त होता है उन कोशिकाओं में क्या मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका द्रव्य, सेकंड है भोजन, थर्ड है भोजन वर्ज्य पदार्थ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भोजन व वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु तथा पादप कोशिका में क्या अंतर है। ऑप्शन फर्स्ट है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, सेकंड है पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं, थर्ड है पादप कोशिका में तारक का अनुपस्थित होते हैं और फोर्थ है सभी। तो ये सभी सही हैं, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में लवक उपस्थित होती हैं, पादप कोशिका में तारक काय एब्सेंट होता है जबकि जंतु में पाया जाता तारक काय। तो सभी जो लक्षण हैं ये किसके हैं, पादप कोशिका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोलिथ निर्मित होते हैं, यानी किसके बने होते हैं सिस्टोलिथ। ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्सीलेट के, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट के, थर्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और फोर्थ है कैल्शियम ऑक्साइड के। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए क्रिस्टल होते हैं सिस्टोलिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसका अभाव होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक झिल्ली, सेकंड है अंतःध्रुवीय जालिका, थर्ड है गोल्जी काय और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि उपरोक्त सभी, केंद्रक झिल्ली, अंतःध्रुवीय जालिका, गोल्जी काय, ये सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं और इनका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका है। तो ऑप्शन फर्स्ट है एसिटाबुलेरिया, सेकंड है नोस्टॉक, थर्ड है क्लेमाइडोमोनास, फोर्थ है प्लूरोनिमोनिया के समान जीव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, यानी कि प्लूरोनिमोनिया के समान जीव, जिसे हम माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, जबकि एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ी एक कोशिकीय शैवाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स में निम्न में से किसका अभाव होता है। ऑप्शन फर्स्ट है डीएनए, सेकंड आरएनए, थर्ड है प्लाज्मा झिल्ली, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्योंकि इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अधिकांश भाग किस पदार्थ से निर्मित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है जल, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है कार्बोहाइड्रेट और फोर्थ है वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जल है जो कि कोशिका का अधिकांश भाग होता है। नेक्स्ट, एक पादप कोशिका से संपूर्ण नए जीवधारी बनाने की आंतरिक क्षमता क्या कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है ऑन्टोजेनी, सेकंड है टोटिपोटेंसी, थर्ड है फाइकोजेनी और फोर्थ है डिफ्रेंसिएशन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, यानी कि टोटी पोटेंसी या पूर्ण सक्तता, ऐसी क्षमता होती है जिससे एक पादप कोशिका से संपूर्ण नए जीव का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की मुद्रा है। ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है एटीपी, थर्ड है राइबोसोम, फोर्थ है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि एटीपी होती है जो कोशिका की मुद्रा होती है, फुल फॉर्म है इसकी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका, सेकंड है उत्तक, थर्ड है अंग और फोर्थ है कोशिकांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि कोशिका होती है जो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बहुत सारे कोशिकांग है वो कोशिका में पाए जाते हैं, और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के जिनका ओरिजिन समान होता है वो उत्तक बनाती हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, और तंत्र से फिर शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी किसे मानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जीवाणु को, सेकेंड है कवक को, थर्ड है विषाणु को और फोर्थ है माइकोप्लाज्मा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विषाणु को हम सजीव एवं निर्जीव की योजक कड़ी मानते हैं, क्योंकि विषाणु किसी भी कोशिका के बाहर मृत रहते हैं और जब कोई कोशिका मिल जाती है तो ये जीवित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन फर्स्ट है एंटोनी वॉन लुवेन हॉक, सेकेंड है रॉबर्ट हुक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है रुडोल्फ विर्चो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि एंटोनी वॉन लुवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, जबकि
मर्त कोशिका की खोज है 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में प्रमुख संचित भोजन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है स्टार्च व ग्लाइकोजन, सेकंड है वसा व ग्लूकोज, थर्ड है प्रोटीन व वसा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि स्टार्च व ग्लाइकोजन, जो पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में संचित भोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जंतु कोशिका है? ऑप्शन फर्स्ट है मुर्गी का अंडा, सेकंड है तंत्रिका कोशिका, थर्ड है शुतुरमुर्ग का अंडा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? ऑप्शन फर्स्ट है कुफर कोशिका, सेकंड है तंत्रिका कोशिका, थर्ड है पदाणु कोशिका और फोर्थ है स्वेद कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। इस प्रकार से आज हमने कोशिका से संबंधित कुल 26 क्वेश्चंस देखे हैं, जो कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य, कोशिका झिल्ली इनसे संबंधित क्वेश्चंस को लेके आएंगे। तो यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।